एमपी अजब है, एमपी गजब है। एमपी में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ के एक विधायक अपनी और अपने सीएम साहब से नाराज है। विधायक मुन्ना गोयल ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। विधायक गोयल ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चुनावी वादों को पूरा नहीं करती। इतना ही नहीं, विधायक मुन्ना गोयल की माने तो कमलनाथ ने जिस वादे के साथ एमपी की कमान संभाली वो भूल गए। इसके अलावा घोषणा पत्र में भी किए वादे सरकार पूरा नहीं कर पा रही और इन वादों को याद दिलाने के लिए मुन्ना गोयल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक का आरोप है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भूमिहीन किसानों को पट्टा देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक किसी को पट्टा नहीं मिला है। पार्टी के वादों के भरोसे ही सरकार बनती है और उसी के भरोसे विधायक बनते हैं। जब वो वादे पूरे नहीं होते तो जनता हमसे सवाल पूछती है और उनका धरना कमलनाथ सरकार को उनके वादे याद दिलाने के लिए है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसानों के मुद्दे पर मुन्ना गोयल ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मुंह खुला हो। इसके पहले दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने एमपी के किसानों से राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहा था, क्योंकि वादा करने के बावजूद आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसानों के मुआवजे के सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अब ये सवाल है कि अगर प्रदेश में विधायक ही अपने मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे तो प्रदेश का विकास कैसे होगा, और अगर ऐसे ही कुछ विधायक कमलनाथ से नाराज होते रहे तो जल्द ही सीएम साहब की कुर्सी चली जाएगी। वैसे ही एमपी में गठजोड़ की सरकार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।